इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एचयूटी मामला एनआईए को सौंपने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। एनआईए की टीम को केस डायरी सौंप दी गई है। एचयूटी के मामले में अब आगे की जांच एनआईए करेगी। एचयूटी का लिंक दूसरे देशों से जुड़ा हुआ था। एमपी में अशांति फैलाने वाले संगठनों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ा बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से दिया गया है। कल एनआईए की टीम मध्य प्रदेश आ गई थी, क्योंकि ये एचयूटी के लोग थे जो पूरा ग्रुप पकड़ा गया था। इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए एनआईए को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। अब ये एनआईए ने टेक ओवर इसको कर लिया है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, एचयूटी मामला जो है अब एनआईए के हाथों सौंप दिया गया है, लेकिन इसी बीच गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि एमपी में अशांति फैलाने वाले संगठनों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो एचयूटी के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दरमियान शुरुआती जांच में ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि देश के अलग अलग राज्यों में तो ठीक है, विदेश से भी तार जुटे, यानी दूसरे देशों से भी इनके संपर्क थे, और इसी के बाद जांच का दायरा बढ़ता चले गया और उसी वक्त ये चीजें निकाली जाने लगी थी कि एनआईए इस पूरे मसले की जांच करेगा, क्योंकि उसकी वजह ये निकलकर सामने आई थी कि विदेशी लिंक निकले हैं, खासकर इस्लामिक देशों की बात की जाए। और उसी के बाद से रोज कयास लगाए जा रहे थे कि एनआईए आज सौंप लेगा, लेकिन अब इन सब के बीच खबरें ये थी कि कल पूरी तरीके से यहां पर टीम पहुंची थी, एनआईए की टीम पहुंची थी दिल्ली से, और उसके बाद एटीएस ने पूरी जांच डायरी जो है वो एनआईए को सौंप दी गई है, और अब एनआईए इस पूरे मसले पर आगे की जांच करेगा। इसके अंदर देश के अलग अलग राज्यों की बात करें या फिर विदेशी लिंक की बात करें, अब एनआईए जांच करेगा और जांच के बाद दायरा भी बढ़ता नजर आएगा। एचयूटी के मामले में आपको बता दें, इसके अंदर धर्मांतरण का मामला है और इसके साथ साथ देश विरोधी गतिविधियों का भी मामला है। दो मामलों के अंदर इस वक्त इसके अंदर जांच चल रही है, क्योंकि धर्मांतरण के हमने देखा था जब 16 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद से, तो उस वक्त किसी को भी नहीं पता था इसके अंदर जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से 3 सदस्य पहले धर्मांतरण किए गए, हिंदू से मुस्लिम बने, फिर उन्होंने अपनी पत्नियों का भी धर्मांतरण करवाया, और इसी के बाद से एटीएस के होश फाकता रह गए थे कार्रवाई के बाद, और एटीएस ने यह फैसला लिया था, उस वक्त यह लिया गया था कि धर्मांतरण वाले एंगल से भी जांच किए जाएंगे, सरकार की तरफ से भी इन सबके बीच बयान सामने आए थे। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण यह था, क्योंकि 50 आरडीओ हाथ लगे थे एटीएस को, और उसी के बाद यह कार्रवाई की गई थी, क्योंकि यह चीजें निकलकर सामने आई थी कि देश के अलग अलग राज्यों में बम ब्लास्ट कर सकते हैं, फिदायीन हमला कर सकते हैं, शरिया कानून लागू करने के लिए उस मकसद से ये काम कर रहे थे, स्लीपर सेल बना रहे थे, और इसके पूरा का पूरा जो नेटवर्क चल रहा था वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे अलग अलग इस्लामिक देशों से चल रहा था। उसी के बाद यह तय कर लिया गया था कि यह जांच एनआईए को सौंपी जाएगी। कल एनआईए की टीम भोपाल पहुंची थी और उसके बाद जांच डायरी दे दी गई। इस मामले में लगातार बड़े खुलासे हो